सर हाँ बेटा, सर अभी लास्ट क्लास में आपने अटेंडेंस डाउनलोड जब कर रहे थे उससे पहले मैंने लीव कर दिया था हाँ एक हाँ सेकंड कौन कौन पहले। था? दो बच्चे थे, एक तो क्या नाम है, अगम। यस सर, अगम सक्सेना। ठीक है, और कौन, एक और था यार, दो लोग चले गए थे। चलो मैं सर डिस्कस, मैंने भी कर दिया था, मयंक। मयंक, ठीक है मैं लिख लेता हूँ, ठीक है मैं मार्क कर लूंगा। सर दो मयंक है, और मयंक पूरा नाम बता दे सर को अपना। मयंक पूरा बता दे, सर बता दे मयंक अग्रवाल, रोल नंबर बता फोर दे, जीरो वन 401। 401 भी दो। अच्छा हाँ चलो मयंक हो गया। व्हाइट बोर्ड देखो चला नहीं है पूरी तरह, बट एक मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, उसमें आपको आपको ये फिगर दिख रही है, अभी व्हाइट बोर्ड आ गया है छोटा सा। यस सर, ये ना जूम नहीं हो रहा एक्चुअली व्हाइट बोर्ड, इसलिए पढ़ा नहीं पाऊंगा इसमें, मैं पीपीटी से पढ़ूंगा। यहाँ पे देखो ये अपने आप ही हो गया कुछ, है ना। चलो छोड़ो, आप टर्बाइन ब्लेड अपने आप से गूगल पे सर्च करना, ठीक है, और टर्बाइन ब्लेड सर्च करना, वहाँ पे आप एक फिगर आ जाएगा, विकीपीडिया पे एक्चुअल फिगर भी है, वहाँ से आइडिया लगाना कितना कॉम्प्लेक्स शेप होता है टर्बाइन ब्लेड का, है ना। इसलिए फिर हमें दूसरे मेथड्स यूज करके ये नॉन कन्वेंशनल जो मेथड्स है इनको यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। एक बार ये देख लेना आप भी, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर था, मैं दिखाना चाह रहा था पर चल नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो 29 हो गए, एक मिनट और वेट करते हैं, आ जाएंगे बच्चे। सर लास्ट लेक्चर में आपने जो एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रोड का, उसमें आपने कहा था इलेक्ट्रोड हम आयरन का नहीं लेते, कॉपर का लेते हैं। हाँ, फेरस नहीं लेते। हाँ बट सर आयरन का तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा है बेटा, बट जो हीट रिटेनिंग की कैपेसिटी है ना उसकी, हीट की, वो हीट अपने रिटेनिंग मतलब हीट कैपेसिटी कह लो, ठीक है। तो वो क्या करता है ना बेटा, हीट अपने आप में इलेक्ट्रोड इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है कि जो करंट, जो हमें करंट चाहिए ना कि करंट वर्क पीस पे ज़्यादा डेवलप हो एज कम्पेयर टू दैट, तो हीट इतना हो जाता है कि वो जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल है ना, लुब्रिकेटिंग नहीं, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, वो हीटअप हो जाता है। वो हीटअप हो जाएगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसा भी नहीं चाहिए कि सारी हीट टूल पे जनरेट हो जाए और वो डाइलेक्ट्रिक फ्लूड है उसको हीट अप कर दे, तो उसकी जो आयनाइजेशन की कैपेसिटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है डाइलेक्ट्रिक फ्लूड की, वही कम हो जाएगी, है ना। ओके सर, तो वो कंटेमिनेटेड हो जाता है फ्लूड। ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो ज़्यादातर हीटिंग में चली जाए उस इलेक्ट्रोड के, ना कि इलेक्ट्रिसिटी में रहे। हाँ बिल्कुल सही, ग्रेफाइट वगैरह के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा और हीट कम जनरेट होगा बट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा रहेगी। हाँ दिस कुड आल्सो बी, दिस इज ए वैलिड पॉइंट। चलो थैंक यू सर। ओके बेटा, ये 35 हो गए हैं, अपना एक बार शुरू करते हैं लेक्चर। सो वी वर ऑन द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स, तो क्लासिफिकेशन पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने लेक्चर छोड़ा था, सो वी हैव ओके, सो एज आई वॉज डिस्कसिंग विद यू ऑल दैट इन केस ऑफ नॉन कन्वेंशनल मेथड्स वी हैव फर्दर फोर क्लासिफिकेशंस, इसको भी क्लासिफाई करने के वी हैव फोर क्लासिफिकेशंस। ये हम क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा नॉन कन्वेंशनल को, ठीक है। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एनर्जी यूज्ड टू मशीन,
मशीन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसके ऊपर बेस्ड ये क्लासिफिकेशन है. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दी एनर्जी यूज टू मशीन दी वर्क पीसेस. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव फोर क्लासिफिकेशंस. पहला क्लासिफिकेशन है, पहले कुछ मेथड्स हैं ऐसे जिनके अंदर वी विल यूज दी थर्मल एनर्जी टू मशीन दी वर्क पीसेस. ओके, सेकंड क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके के हैं जहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बिटवीन द मटेरियल्स उसको यूज करेंगे मशीनिंग करने के लिए. थर्ड क्लासिफिकेशन में हम कुछ सॉलिड एसिड्स, कुछ एसिड यूज करेंगे मटेरियल को मशीन करने के लिए. और थर्ड में वी हैव दी मैकेनिकल एनर्जी मेथड्स वेयर वी यूज दी मैकेनिकल फोर्सेस. कुछ ना कुछ फोर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा इन ऑर्डर टू मशीन दी मटेरियल. मटेरियल को मशीन करने के लिए कुछ फोर्स हमें यूज करनी पड़ेगी इन दी थर्ड कैटेगरी ऑफ मेथड्स. ठीक है, तो एक एक करके बेटा डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट इज द थर्मल प्रोसेसेस. सो एज आई हैव डिस्कस्ड, जो अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था ना मैंने ईडीएम का, जो अभी मयंक ने पूछा था, दैट ईडीएम प्रोसेस यूजेस या उसको कह सकते हैं कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्मल प्रोसेसेस. तो दिस इज ए थर्मल नॉन कन्वेंशनल प्रोसेस ईडीएम. ठीक है, वेयर a very thin intense local heat will be used to machine the workpiece. Workpiece को machine करने के लिए आप heat localized area में use करोगे. जैसे ये electrode था, ये workpiece था, इधर उधर जो heat जा रही है उससे हमें मतलब नहीं है. इस particular region में जो heat generate हो रही है वो machine करता है हमारे workpiece को. ठीक है, here melting and vaporization from the small areas of the workpiece surfaces takes place which results in material removal rate. ठीक है, तो किसी किसी केस में melting हो रही होगी, किसी किसी केस में vaporization हो रहा होगा material का. Based on these two phenomena जितने भी हमारे thermal के अंदर processes हैं material remove होता है. ठीक है, so the source of energy used in these methods could be amplified light, could be ionized material or high voltages or current. जैसा EDM में हमने यूज किया था. ये बताओ जरा, ये जो एम्पलीफाइड लाइट है इसको किस मेथड में यूज करेंगे? चैट बॉक्स में लिखना है आपने, अटेंडेंस भी उसी से वेरीफाई कर लूंगा मैं. राइट इन द चैट बॉक्स द एग्जांपल वेयर वी विल यूज द एम्पलीफाइड लाइट टू मशीन द मटेरियल्स. हां, इसमें चैट बॉक्स में लिखो. हां, LBM चैट बॉक्स में लिखो सर. LBM, हां बिल्कुल सही है, चैट बॉक्स में लिखो बेटा, अटेंडेंस हो जाएगी उससे आपकी. ठीक है, काफी आगे जो लिख रहे हैं वो प्लीज जल्दी से लिख दें. ठीक है, तो एल, ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेजर बीम का क्या है? हमारे पास एलबीएम हमको हम यूज कर सकते हैं लेजर बीम मशीनिंग. आप आयन बीम मशीनिंग यूज कर सकते हैं, आप प्लाज्मा यूज कर सकते हैं, और आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं. इसके अलावा और भी होती हैं बहुत, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, उसके अंदर भी वो वेपराइजेशन होता है, EBM. ठीक है, तो इन सब में हम थर्मल एनर्जी यूज करेंगे मटेरियल की इन ऑर्डर टू मशीन दी मटेरियल. नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस. ये सेकंड कैटेगरी है हमारे नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेसेस का. यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बिटवीन दी मटेरियल्स, तो हम क्या करेंगे, एक इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं. NaCl हो गया जैसे, है ना, KCl हो गया. इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे उसको यूज करके वी विल मशीन दी मटेरियल. KOH हो गया, ठीक है, बहुत सारे होते हैं. तो इन दीज केसेस इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ मेटल बाय मैकेनिज्म ऑफ आयन डिस्प्लेसमेंट्स. जो आयंस का डिस्प्लेसमेंट्स होगा उसकी हेल्प से मटेरियल रिमूवल होगा. आपको वो तो याद होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग छोटी क्लासेस में किया है ना हमने. यस सर. दो इलेक्ट्रोड होते हैं, फिर कैथोड एनोड बनाते हो,
इलेक्ट्रोलाइट फेल होता है इसके अंदर, एक से निकल के दूसरे पे लग जाता है ना, तो यहाँ से तो मशीन हो गया ना, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। ओके, तो पहला एग्जांपल है बेटा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, जिसको हम ईसीएम बोलते हैं। आप जो कन्वेंशनल ग्राइंडिंग मेथड है हमारा, उसको भी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल से कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो भी एडवांस मेथड बन जाएगा। जो कन्वेंशनल हॉर्निंग मेथड आप करते हो, हॉर्निंग पता है ना, फिनिश के लिए यूज़ करते हैं हम, वी यूज़ हॉर्निंग मेथड्स टू फिनिश। तो वहाँ पे भी अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लूँ कुछ उसके अंदर चेंज करके, तो तीसरा एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल हॉर्निंग। हॉर्निंग आपको याद होगा, एक हॉर्न होता है, एक हॉर्न स्टोन्स होते हैं हॉर्निंग के, इसको हम वर्क के पीस के इंटरनल सर्फेसिस जो होते हैं उसको मशीन करने के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनल सर्फेसिस। ओके, चलो सेकेंड कैटेगरी हो गया। थर्ड कैटेगरी भी है दी केमिकल प्रोसेसेस। तीसरी कैटेगरी में हमने पढ़ने हैं केमिकल प्रोसेसेस। तो इस केस में वी विल यूज सम एसिडिक मटेरियल, कुछ एसिडिक केमिकल यूज करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एसिडिक केमिकल हमारा मटेरियल रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये जो मेथड है ना, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल। इसके अंदर कोई भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर एसिड चाहिए और एक चीज़ और चाहिए होती है, वो अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सो केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ सम रेसिस्टेंट मटेरियल्स, ठीक है, टू सर्टेन। हाँ बेटा। सर, इस केमिकल प्रोसेसेस में केमिकल वेपर डिस्पोजिशन नहीं हो सकता? हाँ, वो भी हो सकता है, सीवीडी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपने बस मटेरियल को ना रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल, ठीक है। अब देखो इसमें करते कैसे, यही होगा इसमें, देखना। द डिजायर्ड अमाउंट, यहाँ पे पढ़ो, द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिमेनिंग एरिया। ये छोड़ो, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये वर्क पीस है आपके पास, ठीक है। आपका रिक्वायरमेंट है बेटा कि आपने इतना इतना मटेरियल जो है यहाँ से रिमूव करना है। ये लेयर पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ से नहीं करना है रिमूव, यहाँ से मुझे मटेरियल को रिमूव करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप एक जो सबसे पहले इसके अंदर ज़रूरत होती है, एक इसको बोलते हैं टेक्निकली मेस्केंट, आप एक मेस्केंट बनाएंगे। मेस्केंट, एम ए एस के ए एन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जिस लेयर पे मशीनिंग आपको नहीं चाहिए, उस लेयर को आप कंप्लीटली कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ मेस्केंट। आप उस लेयर से उस मटेरियल को पूरी तरह से कवर कर देंगे, जहाँ पे आपको कोई भी डेविएशन, कोई भी मटेरियल का रिमूवल नहीं चाहिए, यहाँ पे आप पूरा मेस्केंट लगा देंगे। मेस्केंट क्या होते हैं, दीज आर रेसिस्टिव मटेरियल। जैसे वेजलिन टाइप होता है ना, जेल या वैक्स टाइप, वेजलिन टाइप, वो मटेरियल यहाँ पे मैं मेस्केंट लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया जहाँ से मुझे मटेरियल को रिमूव करना था, ये एक्सपोज्ड एरिया है, दिस इज द एक्सपोज्ड एरिया, है ना। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मेरे पास एसिड होगा, H2SO4 या जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यूज करना है, वो आप इसके ऊपर पोर कर देंगे, ठीक है। और उसको कुछ टाइम दे देंगे सेटल होने के लिए, मान लो 5 मिनट लगा दिए या 10 मिनट लगा दिए, तो उन 5-7 मिनट में क्या होगा, वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है या जो भी एसिड है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्कपीस मटेरियल यूज करेंगे, तो वो इतने इतने एरिया से उतने टाइम के लिए, मान लो 5 मिनट में इतना था, तो इतना इतना मटेरियल वो आपका रिमूव कर देगा, तो आपके पास कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बचेगा, ठीक है। क्या ऐसा बचेगा, यस और नो बोलो, म्यूट अनम्यूट करके, इस तरीके का बनेगा? यस सर। यस नो बोलो बेटा बच्चे। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो। यस सर। ओके बेटा, अब म्यूट कर लो। अब देखो प्रॉब्लम, देखो क्या होती है इसके अंदर, जो शुरू से यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। अब यहाँ पे आपने केमिकल एजेंट डाला है, ठीक है, तो पहले 2 मिनट के बाद जो वर्कपीस का जो शेप हो जाएगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना। तो अब आपने एक चीज देखो बेटा, ये जो केमिकल है, ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ कि 2 मिनट बाद कुछ ऐसा हो गया मान लो, और अभी भी इसके ऊपर केमिकल तो है ना, फिर मुझे केमिकल साफ करना पड़ता है। अभी देखो, दिस केमिकल इज इन कॉन्टेक्ट विद दिस वर्टिकल सर्फेस एज वेल। आप फोन पे देख रहे हो तो जूम इन, जूम कर लेना बेटा,
फिंगर से, तो अगर आप देखोगे तो ये केमिकल इस वर्टिकल सरफेस के साथ भी तो कॉन्टेक्ट में आ रहा है, हमें चाहिए था इस सरफेस के साथ, बट इसके साथ भी आ रहा है ना। अगर मैं कहूँ कि फाइनल जो शेप होगी आपकी कुछ इस तरीके की बन सकती है, तो कोई गलत है? यहाँ से भी तो मटेरियल रिमूव होगा, इस फेस से भी। इतना तो मैं इतना तो आपने मैस्कन चिपका रखा है ऊपर टॉप लेयर पे, यहाँ तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट जो वर्टिकल लेयर है बेटा, वो भी तो विद टाइम धीरे 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 जाके वो मशीन हो जाएंगी। ये तो करनी है, ये तो नहीं करनी थी ना, ये भी हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने टाइमिंग इस हिसाब से रखेंगे कि ये जितना भी मशीन हो, ये जितना भी एरिया यहाँ से रिमूव हो रहा है, वो भी आपकी कैलकुलेशन में है। आप वर्क पीस को पहले पहले से ही उतना सा ही थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे, जो रॉ मटेरियल होगा ना, रॉ मटेरियल को थोड़ा सा उस हिसाब से बड़ा ही रखेंगे, सो दैट कि ये भी मशीन हो जाए तो आपके पास एक्यूरेट सरफेस आ जाए। तो ये पूरा ना डिज़ाइन का कंसेप्ट लगेगा इसमें, ये इतना ईजी नहीं है वैसे, बट इकोनॉमिकल है, दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल। आपको क्या चाहिए, वैक्स चाहिए, एक कुछ रेसिस्टिव मटेरियल चाहिए, और एक आपको सॉल्यूशन चाहिए, दो ही चीज़ें तो चाहिए। कोई आपको कोई ईडीएम की तरह कोई डायलैक्ट्रिक फ्लूइड नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोड नहीं बनाना, ट्रांसफार्मर नहीं लगाना, है ना, आरसी सर्किट यूज़ नहीं करने, कुछ नहीं करना, बस मटेरियल रिमूव करना। तो इसी तरह मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, बीटेक के स्टूडेंट्स हो आप लोग, मेजर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो अब आपको रिक्वायरमेंट थी कि कुछ ऐसा ऐसा सा कुछ बनाना है, ठीक है, यहाँ यहाँ से मटेरियल रिमूव होना चाहिए, शाफ्ट बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो इस लेयर पे आप क्या करो, कोई मैस्कन चिपका दो, अपने आप कर सकते हो, यू कैन डू इट योरसेल्फ आल्सो, आप अपने आप भी कर सकते हो। इस लेयर पे कोई मैस्कन चिपका दो और यहाँ पे वो आप फ्लूइड डाल दो, तो अपने आप मटेरियल को रिमूव कर सकते हो, रादर देन कि अगर आप इसकी ईडीएम करवाओगे तो ईडीएम में क्या दिक्कत क्या आएगा, सबसे पहला स्टेप कि आपको इसी शेप का कॉम्प्लीमेंट्री शेप का टूल बनाना पड़ेगा, है ना, फिर मशीनिंग हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वी हैव द मैकेनिकल प्रोसेसेस। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ मैकेनिकल फोर्स को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू मशीन द वर्क पीसेस, ओके। सो इन मैकेनिकल प्रोसेसेस मेटल रिमूवल टेक्स प्लेस आइदर बाय द मैकेनिज्म ऑफ सिंपल शेयर और बाय एरोजन मैकेनिज्म्स। Erosion mechanism where high velocity particles are used as transfer media and high velocity particles will be used to machine. High velocity particles से machine करेंगे, अब high velocity particle को move करने के लिए भी तो कुछ media चाहिए, तो वो media आप pneumatic भी हो सकता है, pneumatic मतलब कोई gas भी हो सकता है, और वो कोई hydraulics भी हो सकता है, कोई fluid भी हो सकता है, हाँ ना। What does it mean? इट मीन्स दैट इन सिंपल टर्म्स इन दीज प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस में बेटा हम क्या करेंगे, आपके पास एब्रेसिव पार्टिकल होंगे बहुत सारे, उन एब्रेसिव पार्टिकल्स को मैं फॉर एग्जाम्पल एयर में मिक्स कर दूंगा, है ना, और एक कॉमन चैनल के थ्रू वो एब्रेसिव पार्टिकल विद मिक्सिंग विद एयर विल स्ट्राइक ऑन दी वर्क पीस, वर्क पीस के ऊपर वो स्ट्राइक करेंगे, वहाँ वहाँ से मटीरियल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के प्रोसेसेस हमारे मैकेनिकल मेथड्स में, पहला एग्जांपल है हमारा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, दूसरा है हमारा वाटर जेट मशीनिंग, तीसरा है हमारा एब्रेसिव जेट मशीनिंग। मैं आपको ट्रांसपोर्ट मीडिया भी लिख देता हूँ इसके साथ ही, इसमें हम एयर यूज़ करेंगे, इसके हम वाटर यूज़ करेंगे, और इस केस में हम कुछ एब्रेसिव स्लरी यूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ मीडियम होगा हमारे पास, स्लरी वाटर इसमें एयर इसमें स्लरी, ये है हमारे बेटा मैकेनिकल प्रोसेस। तो चार प्रोसेस कौन कौन से हो गए आपको याद होने चाहिए टिप्स पे, एंड बेस्ड ऑन एनर्जी। तो पहले पे हम बेटा क्या यूज करेंगे, थर्मल, दूसरे पे यूज करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल, तीसरे पे हम यूज करेंगे, तीसरा क्या था, केमिकल, केमिकल हाँ केमिकल, और फोर्थ है हमारा मैकेनिकल। एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट याद होना चाहिए, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, यहाँ पे केमिकल मशीनिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, और यहाँ पे ईडीएम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्यों बेटा समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना कंपेरिजन इसमें, क्लासिफिकेशन ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बेटा
सर जो केमिकल मशीनिंग होगी जो मतलब केमिकल वाले से हम यूज कर रहे हैं उससे सर सरफेस फिनिश तो अच्छी आएगी नहीं, रैंडमली कहीं से भी मटेरियल रिमूव हो जाएगा ना। देखो अगर आपके पास जो मटेरियल है ना बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जैसे एसिड है H2SO4 और इस तरीके का जो है तब आपके पास बहुत ही पुअर सरफेस आ सकती है, क्योंकि क्या होगा देखो फिनिश और मटेरियल रिमूवल रेट प्रोडक्शन में ये दो ही आउटपुट होते हैं मेन, और ये दो आपस में रिलेटेड है। अगर मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा है तो क्या होगा फिनिश रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ओके। और मटेरियल रिमूवल रेट अगर कम है वो बहुत धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, मतलब चिप्स जो है बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, तब सरफेस फिनिश हमारा तेज हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा केमिकल है ना, तो जो हमारा केमिकल मशीनिंग है बेटा, इसके अंदर सबसे पहली चीज ये, जब आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई और रिसोर्स नहीं है, तब आप इसको यूज करेंगे क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है and your main motive is to, जैसे निमोनिक अलॉय है, आप लेज से नहीं कट कर पा रहे हो और आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ इसको कट करना है, आपका रिक्वायरमेंट फिनिश नहीं है, तब आप सीधा केमिकल पे जाओ, वो आपको कट करके दे देगा, उसके बाद फर्दर इसकी प्रोसेसिंग करो फिनिश करने के लिए, ठीक है। और फिनिश भी डिपेंड करेगा कि आपका जो एजेंट है वो कितना स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग एजेंट है क्या होगा बेटा, इससे स्ट्रॉन्ग एजेंट यूज करोगे तो क्या होगा मटेरियल रिमूवल रेट क्या होएगा, कम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंट है ज्यादा हो जाएगा ज्यादा, तो फिनिश कम हो जाएगी फिर। तो आप अगर आपको फिनिश भी चाहिए और मटेरियल भी रिमूव करना है तो ऐसा एजेंट आप यूज करो कि जो धीरे धीरे मटेरियल को रिमूव करे, तो आपके पास फिनिश भी ठीक ठाक आ जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि एज कंपेरिजन टू जो आपके दूसरे प्रोसेसेस EDM या उस तरीके से आ जाए वैसा मुश्किल हो जाएगा, बट ये है कि आपका काम चल जाएगा। ये प्रोसेस बना है इसलिए आपको दो चार प्रोडक्ट बनाने हैं, तब आप एक EDM मशीन नहीं खरीदोगे, मतलब यूज करोगे, आप सिंपल केमिकल से बनाओ। वही प्रोडक्ट्स अगर आपको थाउजेंड्स में या लैक्स में बनाने हैं, बहुत मास प्रोडक्शन करना है, तब आप एक पूरा सेटअप खरीद सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वी हैव द कंपैरिजन, तो ये जो कन्वेंशनल और जो नॉन कन्वेंशनल मेथड्स हैं, ओके बेटा, इसमें जो कंपैरिजन है, अब एक बार वो ये आप सबको पता है मेरे ख्याल, अब मुझे लगता नहीं कि इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको ये सारे मेथड्स पता है, मैं आपको पहले ना लिख देता हूँ फटाफट, तब आपको एक बार फिर हम पढ़ लेंगे इस चीज़ को। पॉइंटर पेन ले लेते हैं हम, चलो इस स्लाइड में मैं जरा कंपैरिजन लिख रहा हूँ, अब आप ही मुझे बताना कि क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन कन्वेंशनल, अब आप देखो आप मुझे बताओ कन्वेंशनल एडवांटेज या डिसएडवांटेज की फॉर्म। देखो पहला एडवांटेज क्या है नॉन कन्वेंशनल से, यू कैन मशीन एनी हार्ड मटेरियल, ठीक है ना। किसको कोई डाउट हो अगर कुछ ऐड करना होगा ना तो मुझे उसी समय आप अनम्यूट करके बता देना। तो वी कैन मशीन एनी हार्ड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ दिस नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग्स, पहला एडवांटेज ये हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स शेप, हाँ कॉम्प्लेक्स शेप्स, वी कैन मशीन एनी कॉम्प्लेक्स शेप। तीसरा वी कैन मशीन, हाँ कंट्यूर शेप बना सकते हैं, कंट्यूर शेप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। वी कैन अचीव ग्रेट एक्यूरेसी, और हम कह सकते हैं क्या क्लोज टॉप, ये इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है ये स्लाइड में चेंज कर दूंगा बाद में, इसकी बात नहीं कर रहे फिर हम। वी कैन अचीव क्लोज टॉलरेंसेज वेरी इजिली, ठीक है। तीसरा बताओ, वी कैन हार्डर टूल इज नॉट रिक्वायर्ड, हाँ हार्डर टूल नहीं चाहिए, आप माइक्रो फिनिश कर सकते हो, आप फिनिश बहुत अच्छा ला सकते हो, यू डू नॉट नीड हार्डर टूल, टूल की कोई जरूरत नहीं है हार्डर की, ठीक है। और बताओ और कुछ याद आ रहा है, पहले नो फिजिकल कांटेक्ट, टूल इज नॉट कांटेक्ट इन, हां नो कांटेक्ट है कंपैरिजन है, नो डायरेक्ट कांटेक्ट, रबर प्लास्टिक मेटल को भी मशीन कर सकते हैं, हाँ रबर प्लास्टिक हर तरीके का, एवरी टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी। अब एक चीज और मुझे बताओ छोटी सी, वो आप लोगों ने MM की लैब में ऑब्जर्व, आपने ग्राइंडर चलाया है या लेथ चलाई है ना, ग्राइंडर भी चला है ना, हाँ, लेथ में कितना शोर होता था ना, जो ये वाले प्रोसेसेस हैं कुछ प्रोसेसेस को छोड़ के ज्यादातर जो प्रोसेस है उनमें लो साउंड पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन होता है, साउंड नहीं होता है क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता ना इसलिए, हाँ फोर्सेज नहीं उसमें ट्रांसफर हो रही है,
तो आवाज नहीं, जर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो फोर्सेज नहीं हो रही, ठीक है। अब ये तो बात हुई बेटा एडवांटेजेस की, अब थोड़े बहुत एडवांटेज कन्वेंशनल के भी तो होंगे। लो कॉस्ट सर, हाँ सबसे बड़ा है इसमें जो मैं यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल की ही रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इन प्रोसेसेस का इट रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज देखो, लेथ आप लोग चला लिया था ना इजिली, बट अगर आपको बोलेंगे ईडीएम चलाओ इजिली तो आपको 10 बार स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर आपको 10 बार सीखना पड़ेगा तब जाके आप कुछ कर पाओगे, तो इट विल रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑपरेटर। अब वो लेबर नहीं बोलेंगे हम इसको भाई, वो पढ़ा लिखा होगा, इंजीनियर होगा चलाने वाला, ठीक है। तो स्किल्ड ऑपरेटर, अच्छा अब आप जितनी वेरी एक्सपेंसिव, हाँ यहाँ पे लिख दिया मैंने लार्ज इन्वेस्टमेंट, इसमें सारा आ गया। अच्छा अब दूसरी चीज देखो, जो ज्यादातर जो इनकी प्रोडक्शन है ना ईडीएम नॉन कन्वेंशनल की, ये आउट ऑफ द कंट्री से हम इम्पोर्ट करते हैं, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, यहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आती है बेटा इसमें, अगर कोई स्पेयर पार्ट खराब हो गया, ठीक है, तो वो लोकली ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और अगर लेथ का कोई पार्ट खराब हो गया, ठीक है, तो लेथ मैंने आपको एमएम पता नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो लेथ इज सच ए टूल विच कैन रीजनरेट इटसेल्फ। लेथ से ना आप एक और लेथ बना सकते हो, लेथ का हर एक पार्ट लेथ पे बन सकता है विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट्स। बट तो इसका क्या मतलब है कि लेथ के स्पेयर पार्ट मिलना बहुत आसान है, कन्वेंशनल मशीनिंग के स्पेयर पार्ट मिलना बहुत आसान है, इसके स्पेयर पार्ट जो है वो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। स्पेयर पार्ट का जो क्या बोलते हैं अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट इन केस ऑफ नॉन कन्वेंशनल, डिफिकल्ट मेंटेनेंस, हाँ मेंटेनेंस भी चाहिए इसको, मेंटेनेंस भी ज़्यादा चाहिए। तो कितने हो गए पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 मेंटेनेंस का भी लिख लेता हूँ मेंटेनेंस। तो ये कुछ एडवांटेज हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल के विद रिस्पेक्ट टू द कन्वेंशनल, भी 11 ही है मेरे ख्याल सारे ही कवर। एक और रह गया जो चिप प्रोड्यूस होता है इसमें, चिप कैसा होता है नॉन कन्वेंशनल में, चिप का शेप साइज, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग से, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो एक बार फटाफट से ये रीड आउट कर लेते हैं क्या क्या लिखा है, ये सारे पॉइंट कवर हो गए होंगे मेरे ख्याल, ये भी 12 ही है 11 ही है। तो इन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस देर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट, और उस वाले में देर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, टूल वियर विल बी मिनिमम, टूल वियर कम होगा नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल मटेरियल्स आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ये हमने डिस्कस कर लिया। देर इज वेरी लो, और लो लिखना चाहिए यहाँ पे, लो और नो नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, बहुत शांत होते हैं। टूल लाइफ इज लॉन्ग, क्योंकि टूल का वियर जब नहीं हो रहा है तो टूल लाइफ इंक्रीज रहेगी। नॉन कन्वेंशनल प्रोसेसेस वेरी एक्सपेंसिव, ये मैं लिख चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स सेटअप, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्किलफुल ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग्स आर नॉट ईजिली अवेलेबल, एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल को भी आप ईजिली बेटा मशीन कर सकते हैं। इन केस ऑफ द कन्वेंशनल मशीनिंग इसमें कटिंग फोर्सेस यूज होता है, और नॉन कन्वेंशनल में क्या यूज होता है मशीन करने के लिए, चार चीजें, थर्मल, इलेक्ट्रो, केमिकल और मैकेनिकल। हाँ तो ये चार एनर्जीज यूज होती हैं रादर देन कटिंग फोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग्स कैन हैंडल वेरी कॉम्प्लेक्स शेप्स, है ना, कॉम्प्लेक्स जॉब एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल मशीनिंग। इन कन्वेंशनल मशीनिंग बिकॉज ऑफ स्क्रैप चिप फॉर्मेशन इज वेस्टेज ज़्यादा होता है, चिप्स का साइज बड़ा होता है, तो उसका जो डिस्पोजल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, स्क्रैप कम होता है कन्वेंशनल में। क्लियर बेटा, ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ आ गया ना सबको कि हम ये नॉन कन्वेंशनल जो है मशीनिंग और ये सब क्यों करना चाह रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं हम, जो फर्स्ट मशीनिंग है हमारा। हाँ बेटा सर क्विज का टाइम, हाँ 30 हो गए ना, एक मिनट इसको बता दूं बेटा, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी क्विज में है यार, तुमसे होगा नहीं फिर, ठीक है। मैं टाइम बता दूं, मैं 40 पे 40 से 50 तक कर लेंगे तुम्हारी क्लास तक,
इसको मैं फटाफट से बता देता हूँ, उसका क्वेश्चन एक्चुअली मैंने डाला था आपके से। सुबह थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया ना हमारा, 5-7 मिनट उसमें बोर्ड में। चलो नेक्स्ट वी हैव दी अब्रेसिव जेट मशीनिंग, ठीक है। तो इस मशीनिंग में हम क्या करेंगे, जो मैंने रफ आइडिया दिया था आपको मैकेनिकल फोर्स समझाते हुए, उसी तरीके का प्रोसेस हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये फिगर यहाँ पे देखो, ठीक है। इस फिगर में क्या है, वी हैव ए नोजल, एक यहाँ पे आपको नोजल दिख रही है ना, एंड दिस नोजल इज फर्दर कनेक्टेड विद ए सिस्टम, और उस सिस्टम में वी हैव मिक्स्ड द एयर एंड अब्रेसिव्स। एयर और अब्रेसिव मैंने मिक्स करके रखे हैं वो सिस्टम में, बाद में डिस्कस करूंगा उस सिस्टम को। उस सिस्टम से एयर प्लस अब्रेसिव का पार्टिकल का जो फ्लो है वो इस नोजल के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। और जो उसकी वेलोसिटी होगी उस नोजल के थ्रू जो पास हो रहा होगा, दैट लाइज बिटवीन 200 टू 400 मीटर पर सेकेंड प्रैक्टिकली, इतनी लाई करती है, ठीक है। थियोरेटिकली 300-500 तक पहुँच जाते हैं, बट प्रैक्टिकली जो है ऑलमोस्ट इतनी वेलोसिटी से वो अब्रेसिव पार्टिकल्स इस नोजल से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एयर मिक्स है और ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं, ये यहाँ पे हैं अब्रेसिव पार्टिकल्स। When these abrasive particles passes through this particular nozzle and strikes on the workpiece surface, तो वर्कपीस सरफेस पे जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे, तो इस एरिया का ना यहाँ पे छोटा सा थोड़ा एनलार्ज व्यू बनाया मैंने। तो यहाँ पे देखो, एक पार्टिकल जैसे ही ये वर्कपीस है, तो एक जो पर्टिकुलर पार्टिकल है वो रेंडम होगा, उसके एजेस होंगे। जब ये अब्रेसिव पार्टिकल वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो इतना ज़्यादा वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करता है दैट दिस पार्टिकल्स एम्बेडेड इटसेल्फ, ये पार्टिकल इसके अंदर चले जाता है। जैसे ही वो पार्टिकल उसके अंदर जाता है, दैट प्रोड्यूसेस एक क्रैक प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट क्रैक विल लीड टू, और जैसे ही ये पार्टिकल निकल के बाहर जाएगा, क्योंकि पीछे से एयर का भी प्रेशर आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, और दूसरे पार्टिकल भी इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो ये पार्टिकल यहाँ से जब वो निकलता है, तो इट लेफ्ट्स ए वियर इन द वर्कपीस मटेरियल। फिर नेक्स्ट अब्रेसिव पार्टिकल आएगा, वो वियर डाल देगा, नेक्स्ट आएगा वो वियर डाल देगा, अल्टीमेटली ए मशीन्ड एरिया विल बी जनरेटेड, ठीक है। अब देखो ये हो कैसे रहा है, अब दो केस लेते हैं। मान लो पहले केस में, यहाँ पे लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, पहले केस में बेटा मेरे पास था, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ये मटेरियल था कास्ट आयरन। मैं कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी बता दूँ, कास्ट आयरन इज ब्रिटल और डक्टाइल, ब्रिटल। दूसरा मटेरियल लेता हूं मैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज डक्टाइल, ठीक है। तो दोनों मटेरियल्स के ऊपर विद सेम वेलोसिटी, विद मोर और लेस सेम रैंडम साइज के पार्टिकल इसके ऊपर गिर रहे हैं, ठीक है, और गिर के वो निकल जा रहे हैं। तो आप मुझे फटाफट से बताओ कि नंबर 1 और 2 में से किस मटेरियल में वियर होगा या जल्दी होगा। ठीक है, सारे एग्री कर रहे हैं वन। अब देखो, ब्रिटल मटेरियल जैसे हमारी चौक होती थी, तो चौक को अगर मैं थोड़ा सा तोड़ूंगा ना, तो चौक वो सारी टूटेगी, ऐसा नहीं होगा थोड़ा सा निकल जाएगा फिर चौक यूज हो जाएगी, समझे। तो वो ब्रिटल मटेरियल है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही एब्रेसिव पार्टिकल, म्यूट करो बेटा, म्यूट करो जल्दी से, टाइम नहीं है। जैसे ही एब्रेसिव पार्टिकल इस वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो इट विल लीड टू व्हाट, ये करेगा वहां पे ब्रिटल, अभी एक बच्चे ने वर्ड यूज किया था, ब्रिटल फ्रैक्चर। वो उसका ब्रिटल फ्रैक्चर कर देगा, मतलब यहाँ पे वो कैविटी बन जाएगी, फिर वो जो कैविटी होगी दोबारा रीगेन नहीं कर पाएगी। ये डक्टाइल है, इस जो पार्टिकल इसके अंदर तो चला जाएगा, अंदर जाके वो बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से बाहर में निकल गया। अब यहाँ का जो एल्यूमिनियम होगा ना, इट इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो अपनी शेप को क्या कर सकता है, रीगेन, इट कैन रीगेन इट्स शेप ना, क्योंकि डक्टाइल बहुत है, है ना, इलास्टिसिटी बहुत है इसमें, इलास्टिक प्रॉपर्टीज का अच्छा है, यंग मॉडुलस अच्छा है, तो वो रीगेन कर सकता है, मतलब दोबारा मोर और लेस उसी शेप में आ सकता है। या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि यहाँ से मटेरियल निकल गया हो,
बट वो पूरी तरह ना निकला हो, इसके साथ चिपका हुआ हो, क्योंकि डक्टाइल ही इतना है वो. ओके, तो इस तरीके का मेथड जिसका नाम था हमारा एब्रेसिव जेट मशीनिंग मेथड इज मोर सुटेबल टू व्हाट, किस टाइप ऑफ मटेरियल? ओनली हार्ड एंड ब्रिटल. हाँ, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स, जो हार्ड है और ब्रिटल है उन केस में मैं AJM का यूज करूंगा. ठीक है, अब देखो जो नोजल और वर्कपीस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वी कॉल दिस डिस्टेंस एज नोजल टिप डिस्टेंस, और टिपिकली 1 mm के आसपास हम रखते हैं. नोजल का जो एग्जिट डायमीटर होगा ये वाला, इट इज लाइज बिटवीन मैक्सिमम 0.5 mm तक होता है. अब देखो एक चीज और देखो थोड़ा सा, अगर ये नोजल अगर मैं माइल्ड स्टील की ले लूँ तब क्या दिक्कत आ सकती है, कि जो एब्रेसिव पार्टिकल है, एब्रेसिव पार्टिकल है वो नोजल पे स्ट्राइक कर सकते हैं ना, उसको टच करते हुए नोजल को डैमेज कर देंगे. हाँ, वो नोजल को डैमेज कर देंगे तो नोजल का डायमीटर इंक्रीज हो सकता है. तो डायमीटर इंक्रीज हो गया तो जो एब्रेसिव पार्टिकल बहुत ही रैंडम वे में आएंगे तो मशीनेबिलिट जो सरफेस कुछ और ही बन जाएगा. तो आपको नोजल का मटेरियल ऐसा लेना है जिसका वियर रेसिस्टेंस जो है वो बहुत हाई हो, एंड दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज सफायर. सफायर एक मटेरियल है जिसकी लाइफ नियर अबाउट 300 आवर्स होती है, और आप टंगस्टन कार्बाइड का भी ले सकते हैं, उसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है सफायर से. ठीक है, तो ये मटेरियल होते हैं हमारे. शेप ऑफ कैविटी कैसे कंट्रोल करते हैं? शेप ऑफ कैविटी बेटा, इसके अंदर ना वर्कपीस है वो मूव करता रहेगा. अगर आपने सर्कुलर कोई चीज, कोई स्लॉट बनाना था तो वर्कपीस सर्कुलर फॉर्म में घूमता रहेगा. ठीक है, आप इसमें कंट्रोल नोजल को भी कर सकते हो, आप नोजल को भी मूव कर सकते हो, बट जनरली जो मशीनिंग मेथड्स होते हैं उसमें हम वर्कपीस को फीड देते हैं. यहाँ पे देखो वर्कपीस को फीड देते हैं, फीड आप दोनों को दे सकते हो. मैं ये नहीं करा, नोजल मूव नहीं होगी क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, नोजल मूव करेगी. आप यूट्यूब पे वीडियो देखना AJM का, मैंने मैं भी चलो टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाई दूंगा, 37 हो गए, तो वहाँ पे आप देखोगे कि नोजल मूव कर रही होगी. नोजल बहुत ईजिली मूव हो जाती है, इसकी पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, दिस होल इज ऑटोमेटिक. बस आपने अभी क्या करना है, मैकेनिज्म समझना है बेटा. बोलो बेटा. सर नोजल को फीड करेंगे ना उसकी तरफ, वर्कपीस की तरफ. हाँ, नोजल को फीड करें. हाँ, नोजल को फीड करेंगे, मूव करेंगे, ऊपर नीचे करना है, लेफ्ट राइट करना है, कुछ भी करना है, रोटेट करना है, वो सब हम नोजल को कर सकते हैं. ओके, तो सर इसमें एक कंस्ट्रेंट भी है क्या, जो हम कोई कॉम्प्लेक्स शेप नहीं बना सकते हैं? देखो इसमें सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट तो बेटा यही हो गया ना, कि अगर आपके पास रबड़ है, अगर आपने रबड़ से कुछ बनाना था यार, है ना, या कोई डक्टाइल मटेरियल से कुछ बनाना था, है ना, तो वो तो इससे हो ही नहीं सकता. हर मशीन का अपना एक फायदा होगा, अपना एक नुकसान होगा बेटा. तो यहाँ पे आप डक्टाइल मटेरियल को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. इसके डिसएडवांटेज तो बहुत होंगे, एक एक करके हम वो डिस्कस कर लेंगे, बट मेन इज व्हाट, कि आप डक्टाइल को इससे इजीली नहीं कर सकते. तो आपको इस स्लाइड से दो वर्ड यूज रखने हैं, एक कि मटेरियल कैसे रिमूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ये कीवर्ड है ब्रिटल फ्रैक्चर, और जो नोजल का मटेरियल है वो है हमारा सफायर. ये आपने याद, फिर आपको सब याद रहेगा. ठीक है, और इसको बोलते हैं हम नोजल टिप डिस्टेंस. सर सफायर आपने किसको बोला, किसका मटेरियल? नोजल का बेटा, नोजल का. आप सफायर ले सकते हो या टंगस्टन कार्बाइड भी ले सकते हो. आपने वियर रेसिस्टिव मटेरियल लेना है, मतलब कंसेप्ट ये है कि मटेरियल शुड बी वियर रेसिस्टिव. ओके बेटा, अब आप बेटा अपने चैनल में जाइए, आपका चैनल है ना, चैनल में क्विज है, मैं उसकी टाइमिंग चेंज कर दे रहा हूँ अभी, आप उसको बेटा ओपन करके अटेम्प्ट करो. सबको अटेम्प्ट करना है, कोई छूटना नहीं चाहिए, एवरीबडी हैज टू अटेम्प्ट दैट क्विज. सर आपके PPTs भी शेयर कर दोगे? मूडल पर डाल दूंगा सारा. मैं पीपीटी को, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, पीपीटी को मैं एज ए वीडियो बना लूंगा, 5 मिनट में 3 लेक्चर की पीपीटी को वीडियो की तरह सेव करके फिर आपको उसका लिंक दे दूंगा मैं ही, यूट्यूब पे डाल के या कहीं डाल के, उसको कभी भी आप डाउनलोड करो, चलाओ, कुछ भी करो. क्विज खुल रहा है बेटा, देखो चेक करना. नो सर, रिस्पांस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अभी नहीं खुल रहा, नॉट एक्सेप्टिंग एनी रिस्पांस. ठीक है, 40 हो गए ना, मेरा 40 एंड रख, अभी मैं चेंज कर देता हूँ, एक मिनट बस. आप उसको 55 तक सबमिट कर देना, या नेक्स्ट लेक्चर के, मैं 11 बजे तक का टाइम लिख देता हूँ उस पर, नेक्स्ट लेक्चर से पहले सबमिट कर देना, उसके बाद नहीं. ठीक
चैट बॉक्स में लिंक सर आप चैट में भी एक बार लिंक डाल दीजिए, वो फोन पे एक्सेसिबल नहीं रहती है चैनल में सर। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूं, एक मिनट बस। फोन पे कोई 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 उसमें विजिबिलिटी या आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फोन पे ठीक आ जाती है ना आवाज? नहीं सर। जी सर, जी सर, बढ़िया आती है, सही आती है। क्लियर है, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ सर? नहीं अभी नहीं, अभी मैं एक ना टाइम चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अभी स्टार्ट होगा। स्टार्ट मैंने हटा दी, एंड डेट को मैं थोड़ा 11 बजे का टाइम रख देता हूँ। सर चैट में लिंक डाल देना। हाँ चैट में डाल दूँगा, चैट में पेस्ट कर दूँगा। देखो एक बार ओपन हो रही है, जो बच्चे लैपटॉप पे एक बार चेक कर लो ओपन हो रही है तो मैं लिंक कॉपी कर। यस सर ओपन हो गई सर। ठीक है सर, ठीक है बेटा, मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। चैट में देखो लिंक डाल दिया है मैंने, एक बार चेक कर लो आ गया। जस्ट अभी पोस्ट किया चैट पे। आ गया सर, आ गया। ओके बेटा, यस सर, अटेम्प्ट कर लो आप। 11 बजे तक का मैंने टाइम रखा है, उसके बाद वो लिंक कोलैप्स हो जाएगा। और वीकली हम वेंसडे को ही टेस्ट क्विज लेंगे 10:40 या 10:30 के आसपास, तीन लेक्चर्स का एक क्विज, कॉमन क्विज। अच्छा आपने एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, एक मिनट सुनो, जो आपकी बेटा मेट की आईडी है ना, इसको बेटा किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है? आईडी पासवर्ड जो है, क्योंकि अगर कुछ भी कोई कोई मैसेजेस या कुछ भी कुछ होता है इस आईडी से तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है? क्योंकि पासवर्ड आप मेरे ख्याल मेंटर्स ने बता दिया होगा कल आपको सब ने, कि अपना पासवर्ड एक बार ही चेक कर लेना, किसी और के पास हो ना, चेंज कर लेना अगर दे रखा किसी को। सर ये वाला टेस्ट कब तक दे सकते हैं? इसका टाइम मैंने अभी रखा है 11 बजे तक, इस पे 11 AM डाला है मैंने एंड डेट। कोशिश करो 50 तक खत्म कर दो, मैं साथ के साथ आपको बता भी दूंगा रिस्पांस। सर सबमिट कर दिया सर। ठीक है, हाँ तीन रिस्पांस आ गए हैं मेरे पास, 50 तक जितने आएंगे मैं डिस्कस कर लूँगा। सर पांच ही है ना क्वेश्चन? हाँ पांच क्वेश्चन है सर। Thank you.
कर दिया ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको बता देता हूं जीसस का रिस्पांस आ गया मेरे पास। आइए मेरे पास 20 रिस्पांस आ गए हैं है ना। स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ स्क्रीन दिख रही है। यस सर दिख रही है। आपने कर दिया अंकित, तूने कर दिया? यस सर कर दिया। ठीक है अभी चेक करते हैं ना तेरा आया नहीं आया, तेरे साथ दिक्कत हो रही है उसमें। जी ये बच्चे हैं जिनका आ गया है आंसर। ठीक है जसवंत, काव्य, ऋषभ, अक्षत, अतुल, सात्विक, सिद्धांत, अगम, राजेश, अजय, मुस्कान, आधार, नीलेश, किशले, हर्ष, अभिषेक 002, अभिषेक दोनों अभिषेक हो गए, हर्ष, ऋतिक, मयंक, अंकित का आ गया है। ठीक है शालिनी का भी आ गया, 22 बच्चों का भी आ गया। सर आकाश पांडे, सर मैंने भी करा था सबमिट, मेरा तो नाम नहीं आया इसमें। सर मैं भी सबमिट कर चुका हूँ अभी, जस्ट अभी पहले कर चुका हूं तो 45 पे ही कर दिया था। मेरा भी हो गया सर। सर आप एक बार स्क्रीन रिफ्रेश कर लीजिए। हां अभी लेटेस्ट किया होगा। एक मिनट, 38 हो गए हैं, 22 से 38 पहुंच गए हैं, सभी का आ गया होगा, डोंट वरी आ गया होगा मेरे पास। ठीक है थोड़ा रिफ्रेश में टाइम लग जाता है ना उसमें, वो मैं कंसीडर 39 हो गए तो ऑलमोस्ट सभी का आ गया है क्योंकि 43 हैं आप अभी अटेंडेंस में क्लास में। सर अभी आप डिस्कस कर लीजिए वो 5 मिनट्स में, फिर दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, फटाफट खोल लेता हूँ मैं इसको। ये पहला क्वेश्चन था बेटा हमारा कि 41 रिस्पॉन्स हो गए हैं, अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है आगे क्वेश्चन आगे स्क्रीन पे। पहला तो देखो नोजल का मटेरियल पूछा है ना, 100% लोगों ने सफायर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दूसरा निमोनिक अलॉय में मैंने क्रोमियम की परसेंटेज पूछी थी तो जो कि 20% थी है ना, 40% निकिल होता है उसमें और 20% क्रोमियम, तो 38 ने बिल्कुल सही दिया है। फिर उसके बाद सेलेक्ट द रॉन्ग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस रिगार्डिंग द नीड ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, कि उनकी क्या क्यों ज़रूरत पड़ी। तो पहला ऑप्शन था कि विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स, तो हमें ज़रूरत पड़ी यस, नए मटेरियल को मशीन करना है। अगर आपको एक्यूरेट प्रोडक्ट बनाने हैं यस, उसके लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ी। कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनानी है यस, उसके लिए भी नॉन कन्वेंशनल की ज़रूरत पड़ी। रिक्वायरमेंट टू मशीन नॉन कंडक्टिव मटेरियल, तो ये तो नहीं है क्योंकि नॉन कंडक्टिव मटेरियल जो है जैसे वुड हो गया या ये सब हो गए, तो वो तो हम लेथ से भी मशीन कर सकते हैं ना। मतलब स्पेसिफिकली नॉन कंडक्टिव को मशीन करने के लिए जो एडवांस मेथड है उनका उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। तो ये फोर्थ वन इज़ द करेक्ट, मैक्सिमम ने यही दिया है। AGM इज सुटेबल फॉर, अच्छा हाँ, ब्रिटल, डक्टाइल, वुड, रबड़। तो ब्रिटल अभी लेटेस्ट किया था ये तो हमने, तो सबका सही है। एक बच्चे ने डक्टाइल लगा दिया है, किसने दिया था पता नहीं, बाद में देखेंगे। वट इज़ द रेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी रेंज मैंने 200 से 400 मीटर पर सेकेंड लगाई थी, फिर 1 किलोमीटर में भी मैंने एक यूनिट दे दी थी, तो दो बच्चों ने वो टिक हो गया है। बाकी आंसर इज़
200 टू 400 मीटर तो मैक्सिमम के ठीक है, बस ये थर्ड वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके बाकी सबके ठीक है। ओके नहीं बेटा आप लोग नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं आप, ठीक है? हाँ अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर ली जस्ट, और एक क्विज से मैं अटेंडेंस ले लूँगा, ठीक है? जो अभी लेटेस्ट हुआ ना क्विज, उसमें 41 ने दे दिया है और 42 बच्चे हैं, अब एक बच्चा पता नहीं किसने नहीं दिया है, वो सो गया होगा, वो फिर वो हो गए नहीं कंप्यूटर पे, तो उसको मैं एबसेंट कर दूंगा, ठीक है बेटा? सर हाँ जी सर, ये आप PDFs और रिसर्च पेपर्स वगैरह आप वहीं पे डालेंगे मूडल पे ही? देखते हैं मूडल कितने बच्चों, कई बच्चों के साथ दिक्कत रहेगी मूडल की बाई चांस, तो फिर मैं कोई ग्रुप बना लूंगा व्हाट्सएप पे, उस पर डाल दे करूंगा। नहीं सर क्योंकि एक दो दिन में तो हमें पासवर्ड वैसे मिल ही जाएंगे, लेकिन हाँ एक बार मिलने दो, फिर क्लास में कंफर्म कर लेंगे सबके पास आ गए कि नहीं आए, फिर आगे का प्लान करते हैं, ठीक है? ठीक है। रही बात PPT की, तो PPT को मैं 3 लेक्चर्स की PPT का एक छोटा सा वीडियो बना के वीडियो करके उसको YouTube पे डाल दूंगा और आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यस सर ठीक है चलो फिर, है ना? हाँ लीव कर दो बेटा।